हेलो गाइस, मैं हूँ हार्दिक पांचाल और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मारुति सुजुकी इको 7 सीटर। तो भाई ये ऐसी गाड़ी है जिसको आप अगर लेके चलते हो ना तो आप समझो मौत का घर लेके चलते हो। आपको अपने बच्चों अपने घर वालों से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, क्योंकि भाई ये सस्ते के चक्कर में लोग ले लेते हैं गाड़ी और फिर उसके बाद आपको हालत देखने के लिए मिलती है। एक्सीडेंट में भाई एक भी बंदा नहीं बचता इसके अंदर। आज की वीडियो में मैं आपको भाई इसका एक्सीडेंट दिखाने वाला हूँ जो कि मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। वो भी इस गाड़ी में बैठा हुआ था। इसके अंदर भाई टोटल 7 लोग थे जिनमें से 3 की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और 2 को मेजर इंजरी आई थी और 2 मतलब ठीक ठाक से ही थे, तो जिनमें से मेरा दोस्त भी था। तो यार इको ना एक ऐसी गाड़ी है जिसमें लोग मतलब 5-6 लाख में लेते हैं और फिर लगा देते हैं स्कूल में। भाई स्कूल के बच्चों को बिठा के चलाते हैं, फिर वो 10-10 बच्चे 15-15 बच्चे भाई जोखिम है बिल्कुल भरी हुई। इसमें अगर एक्सीडेंट होता है तो भाई एक भी बंदा नहीं बचता बिल्कुल भी, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलती आपको। अगर भाई आपको अच्छी गाड़ी चाहिए तो यार थोड़े एक्स्ट्रा पैसे डाल के एक सेफ गाड़ी ले लो, उससे आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी, आप भी सेफ रहोगे। अभी मैं आपको एक ऐसी क्लिप दिखाने वाला हूँ जिसको देख के ना आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलो पहले आप वो क्लिप देख लो, एक बार आपकी स्क्रीन पे आ रही है। तो ये देखो, ये हुआ भाई एक्सीडेंट इंदरपुरी में जो अपना टोटापुर गोल चक्कर के पास पड़ता है। तो यार इसमें हुआ यूँ, ड्राइवर ने पी रखी थी दारू और दारू पीने के बाद आपको पता है लोग अपने नशे में ही हो जाते हैं, उनको कोई दुनिया से पता नहीं चलता। ये वो इस भाई की डेथ हो गई, अभी एंड में आपको दोबारा दिखेगा। तो भाई इसके अंदर ना इको पलट गई, मतलब डिवाइडर से लग के कैसे पलटी ये नहीं पता बस, लेकिन ड्राइवर ने दारू पी रखी थी, अनबैलेंस हो गई और भर के चला रहा था, पूरी पलट गई। अब इसके अंदर भाई थोड़ी सी वो तो अच्छा है मेरा फ्रेंड बच गए, 2 दोस्त थे इसके अंदर। अभी आपको आगे आगे सारी क्लिप्स देखने के लिए मिलेगी इसके अंदर। लोग अभी थोड़ी देर में इको को सीधा कर देंगे। तो यार ये देखो, ये है मेरा फ्रेंड जिसकी चोट लगी थी, जिसमें सरिया भी घुसा था भाई कई लोगों के अंदर, पता नहीं आगे सरिया जा रहा था या फिर डिवाइडर के ऊपर जो लोहे का होता है वो लगा था। तो यार इको बिल्कुल भी सेफ गाड़ी नहीं है, बिल्कुल मत लो। मैं तो कहूँगा इसकी जगह आप कोई 5 सीटर ले लो, पर लेकिन भाई इको मत लो बिल्कुल भी। आप जोखिम भरी अपनी जान मौत का घर लेके चलते हो अपने साथ, इसमें भाई एक भी बंदा नहीं बचता। अभी देखो इन बंदों को क्या कसूर था, ये तो मजदूर थे बेचारे। ये देखो इको सीधी कर रहे हैं, इन बंदों को कई इन्होंने क्या करा होगा कि मैं इधर से इधर तक जा रहा हूँ, पैसे कमा लेते हो थोड़े से, इनको बिठा लिया और 20-20-30-30 रुपये सवारी लेके छोड़ दिया होगा। तो फिर उनके बाद यार इनकी जान चली गई। ये देखो लोगों ने भी सस्ते के चक्कर में ये हाल कर दिया। यार ये देखो एंड में 3 लोगों की डेथ हुई है, एक अभी उधर पड़ा था बेचारा, 2 इधर। अब यार इनकी फैमिली पे क्या बीतेगी ये सोचने वाली बात है यार। इको तो यार मतलब कहने वाली बात ही नहीं है कुछ भी। अब मैं बताता हूँ आपको भाई, अगर एक्सीडेंट में जिसकी जान जानी है तो जानी है, चाहे वो आपकी टाटा की हो, चाहे फॉर्चूनर हो, कोई सी भी हो। अगर आपकी किस्मत भी होती है ना भाई तो आप बच जाते हो, जैसे मेरे दोस्त की किस्मत बढ़िया थी, बच गया भाई भगवान की दया से। यार अगर उन लोगों की किस्मत अच्छी होती, एक किस्मत की बात होती है, तो वो शायद बच जाते, आज वो अपने घर चले जाते और अपने परिवार वालों के सामने सही सलामत खड़े होते। बट इसमें गलती किसकी थी ना, उन लोगों की गलती थी ना किसी की गलती थी, तो ड्राइवर की। और ड्राइवर की भी गलती थी कि दारू पी के चला रहा था, और दूसरी गलती थी कि गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी भी नहीं थी बिल्कुल भी, और तीसरी ये थी कि ज़्यादा पब्लिक बिठाने से भी भाई अनबैलेंस हो जाती है, क्योंकि एक तो हाइट इतनी ज़्यादा दे रखी है भाई अनबैलेंस कर देता है। तो यार मारुति वालों कुछ सोचो यार पब्लिक के बारे में, या तो ये गाड़ी बनानी बंद कर दो, या फिर बना रहे हो तो अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ बनाओ ताकि लोग सेफ रहे। तो गाइस यही थी मेरी छोटी सी वीडियो, पता नहीं लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।